हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बेबीज़ के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर कैसे बना सकते हैं। साथ में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए उसमें है बादाम यानी कि आलमंड, काजू यानी कि केशू, पिस्टेशियो यानी कि पिस्ता, वॉलनट यानी कि अखरोट। साथ में कुछ पम्पकिन सीड्स या वाटरमेलन सीड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें जो क्वांटिटी हमने लेनी है वो हम मेज़र करके देंगे। अगर आपके पास मेज़रिंग कप नहीं है तो मेरी तरह ये टी कप यूज़ कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी तरह का कोई एक आप बाउल ले लीजिए और उससे मेज़र कर सकते हैं। तो मैंने इस मेजरिंग कप से बादाम है जो एक फुल कप लिया है, बाकी सारी जो आइटम्स हैं वो मैंने हाफ़ लिए हैं। जो पम्पकिन सीड्स एंड मस्मेलन सीड हैं इनको मैंने 1/4 कप लिया है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन फिर एक पैन गरम करना है और हीट जो है बहुत मीडियम रखनी है, मीडियम नहीं लो रखनी है, और आपको इनको रोस्ट करना है जब तक कि किचन में एक एरोमा नहीं फैल जाता और इनका कलर थोड़ा डार्कन नहीं होता। आपको इनको रोस्ट करते रहना है तो आप धीरे देखेंगे इनका कलर चेंज हो जाएगा और फिर हम इनको प्लेट में साइड कर देंगे। अब जो मेन बात है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट से एलर्जिक होते हैं, हो भी सकते हैं और शायद आपको इस बारे में पता ना हो। बहुत पहले ये था कि डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन थी कि 2 से ऊपर के बच्चों को आप नट्स दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं। आप 1 साल के बच्चों को से ऊपर के बच्चों को नट्स दे सकते हैं, और फिर भी मेरी एडवाइस है कि आप अपने बच्चे को कम से कम 5 दिन एक ड्राई फ्रूट्स ट्राई करिए। अगर उसे कोई एलर्जी नहीं होती देन आप ये पाउडर बना के उसको एक मिक्सचर के रूप में दे सकते हैं। तो मेरे बादाम रोस्ट हो गए, अब मैंने वॉलनट्स डाल दिए हैं। सबको थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट करें जिससे कि पैन में स्पेस फैल जाता है और सब पूरी तरह रोस्ट हो जाते हैं। एक साथ चीज़ें डालने पे प्रॉपरली रोस्ट नहीं हो पाता, और इसी मेजरिंग कप से मैंने सब मेज़र किया है। अब मैंने जो बादाम है वो रोस्ट हो गए थे उन्हें साइड कर लिया है। ऑलमोस्ट मेरे अब वॉलनट रोस्ट हो रहे, आप देखिए इनका कलर डार्कन हो गया है। बादाम को थोड़ा रोस्ट होने में टाइम लगता है, बाकी जो भी आइटम्स हैं वो रोस्ट में आते हैं। आप इनको बहुत अच्छी तरह रोस्ट करेगा, बिकॉज अगर आपने इनको प्रॉपरली रोस्ट नहीं किया तो ये ऑयल रिलीज़ कर लेंगे, और जब आप इसे ग्राइंड करेंगे तो ये एक स्टिकी फॉर्म में हो जाएगा, जैसे कि लड्डू फॉर्म होता है लाइक वैसे। तो अब वॉलनट रोस्ट हो गए हैं, मैंने केशू डाल दिए हैं। अब केशू भी जब इनमें ये केशू बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी। और इनको आप अपने बेबीज़ को बहुत सारी रेसिपीज़ में दे सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए प्लम का जो स्वीटन पाउडर होता है वो यूज़ करते हैं, जैगरी भी यूज़ करते हैं, पर मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, रॉ शुगर भी यूज़ करते हैं इसको स्वीटन करने के लिए। मेरा मानना है कि जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं उसी दौरान आप उसमें जैगरी डाल दीजिए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि वो ऑलरेडी स्वीट होती है तो हमें ये पाउडर में स्वीट डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे केशू भी रोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट उनका कितना प्यारा सा इनमें ब्राउनिश कोटिंग आ गई है। तो अब इन्हें भी मैं प्लेट में साइड कर दूँगी। उसके बाद हम जब जो चीज़ रोस्ट करेंगे, हमारे पास बचे हैं अब पिस्ता बचे हैं, उनको मैं रोस्ट करने रख दूँगी। तो पिस्ता भी जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ये फटाफट रोस्ट हो जाएंगे। और फिर आपको ध्यान रखना है कि इनको प्रॉपरली ठंडा भी करना है आपने, और प्रॉपरली रोस्ट करना है। इनसे आपको इसकी स्मेल से पता लग जाएगा कि ये रोस्ट हो गए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, आराम से बनाइए और एक एक पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग रोस्ट करिए। तो मेरे 4 आइटम्स रोस्ट हो गए हैं। अब मैं ये सीड्स को रोस्ट करूँगी, मस्मेलन सीड एंड पम्पकिन सीड्स हैं, ये पॉपअप करते हैं उछलते हैं, तो आप थोड़ा सा केयरफुली इसको रोस्ट करिए और बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल भी करछी छोड़िए मत, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं तो थोड़ा कड़वापन आ सकता है। आप देखेंगे ये पॉपअप कर रहे हैं और ये रोस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं इन्हें भी एक प्लेट में साइड कर दूंगी और इन्हें प्रॉपरली ठंडा होने रख दूंगी। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक आप अपना जो भी एक एयर टाइट कंटेनर है वो रख लीजिए या उसे साफ़ कर लीजिए, उसमें हम बाद में इसको जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा ग्राइंड करेंगे फिर उसे रखेंगे। जब आपको नट्स ग्राइंड करने हैं तो आपको इसको पल्स मोड में करना है। एक साइड ग्राइंड करने पर ये स्टिक हो जाएगा, यानी जैसे लड्डू फॉर्म में होता है ना स्टिकी, वैसा हो जाएगा और ये
भुरभुरा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैंने ये ऑलमंड को ग्राइंड कर लिया है। आप देखिए मैंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली है तो बहुत, और ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में आ गया है। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं आपका, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। मैंने इलायची यूज़ करी है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू आ जाती है। और जब ये पूरी तरह ऐसे ग्राइंड हो गया है तो आप देखिए इस तरह फॉर्म में आ गया है। तो अभी मैं इसे थोड़ा अलग अलग करूँगी तो ये बहुत ही पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसे एक अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, ये पूरा एक मंथ तक चलता है। और इसे किसी भी फूड में एक स्वीटेंड फॉर्म में यूज़ करिए और बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहता है। आप इस पाउडर को बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा एक साल से बड़ा है या एक साल का होने वाला है तो आप इस पाउडर को बनाइए और डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ करिए, स्पेशली स्वीटन फॉर्म में। और मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।